नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम को मजबूती प्रदान करती हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। लेकिन कई बार यही व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो कई तरह के इन्फेक्शन शरीर में आने लगते हैं। तो आज मैं इनके प्रकार और इनके लक्षण और इनके कारण और इसके बचाव के बारे में इस वीडियो में विस्तारपूर्वक जानकारी शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में काफ़ी लोग बहुत सारी बातें जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे शरीर की रक्षक पंक्ति का नाम है, यह हमारे डिफेंस सिस्टम है, बॉडी के कई इन्फेक्शन से बचाता रहता है। लेकिन इसी व्हाइट ब्लड सेल का एक प्रकार है जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। कई बार ये बढ़ जाता है ब्लड में, और व्हाइट ब्लड सेल में जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियाँ बनने लगता है। ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से इसे जाना जाता है, जब ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स में बढ़ जाए, और इसके बढ़ने के साथ साथ कई तरह के इन्फेक्शंस भी पैदा होने लगते हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ल्यूकोसाइट्स होता क्या। ल्यूकोसाइट्स एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल्स है, और ल्यूकोसाइटोसिस जो है वाइट ब्लड सेल में ल्यूकोसाइट्स की मात्रा जब बढ़ जाए तो उसे ही ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स जो है 40% से 60% तक वाइट ब्लड सेल्स में ये मौजूद रहते हैं। जब इसकी मात्रा उससे ज़्यादा हो जाए तो न्यूट्रोफिलिया इन्फेक्शन बन जाता है। उसी प्रकार से लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट सेल जो है 20% से 40% तक मौजूद रहते हैं शरीर में, ब्लड के अंदर। जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो लिम्फोसाइटोसिस कहा जाता है। कई तरह के इन्फेक्शन जो आयु को बात करूँगा वो बनने का खतरा बना रहता है। मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइट्स जो है वो 2% से 8% तक स्वस्थ शरीर में रहता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाए तब भी कई बार इन्फेक्शंस पैदा होने लगते हैं। स्नोफिल्स के सेल्स जो हैं वो 1% से 4% नॉर्मल है, जब इससे ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए तो स्नोफिलिया कहा जाता है। उसी प्रकार से बेसोफिलिया का एक प्रकार है, जो बेसोफिल्स जो हैं जब वो जो 0.1% से 1% तक रहने चाहिए, 1%, जब उनकी मात्रा बढ़ जाए तो इस प्रकार के इन्फेक्शंस कई तरह के शरीर में बनने लगते हैं। अब अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो कई बार WBC की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाता है तो कई तरह के इन्फेक्शंस आ सकते हैं। अगर ल्यूकोमिया है मतलब ब्लड कैंसर है तो कई बार मामला गंभीर हो जाता है, और कई बार अगर स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है ल्यूकोसाइट्स की मात्रा बढ़ गई तो कई बार ज़्यादा कोई लक्षण सामने नहीं आते हैं। कॉमनली सिम्टम्स के बारे में बात करें तो फीवर, बदन दर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, स्किन के रैशेज, फिर वेट लॉस, इस तरीके के बन सकते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो ल्यूकोसाइटोसिस के प्रकार मैंने आपको बताया उनमें लगभग अलग अलग लक्षण भी आ सकते हैं। जैसे न्यूट्रोफिलिया हो जाए, न्यूट्रोफिल सेल्स बढ़ जाए तो कई प्रकार इस इन्फेक्शंस पैदा हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकता है, स्किन रैशेज पैदा हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग लक्षण जो है कई बार बनने लगते हैं। अगर कॉजेज के बारे में हम बात करें तो कॉमनली जो है अलग अलग प्रकार के जो ल्यूकोसाइटोसिस है उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कॉमनली जो है इन्फेक्शन के वजह से, स्मोकिंग के वजह से, कई प्रकार के TB या ल्यूकेमिया, या कई बार ऐसा माना जाता है कई बार कई मेडिसिनल कारणों से भी, कई बार स्नोफिलिया बढ़ जाता है पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के वजह से भी, अनहाइजीन के वजह से भी। तो इस तरह के कॉमनली इस तरह के कई कारण, उसके साथ साथ कई बार स्किन के डिजीजेस के वजह से, कई बार लिम्फेटिक सिस्टम के ठीक से काम न करने के वजह से, या हे फीवर या अस्थमा के वजह से, कई बार लिम्फोसाइटोसिस के सेल जो हैं वो हुपिंग कफ आदि के वजह से भी बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें कैसे रोका जा सकता, सबसे पहली चीज़ है हेल्दी लाइफ स्टाइल, हैंड वॉशिंग, साफ़ सुथरापन, इसको मेंटेन करना चाहिए। एलर्जन जो हैं, जैसे वो धुएँ हो, डस्ट हो, या कई प्रकार के ऐसे एलर्जन हैं जिससे ये सब बढ़ जाते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन
ही ले डॉक्टर के प्रिस्क्राइब मेडिसिन खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि कई बार ल्यूकोसाइटोसिस का कारण ओवर मेडिकेशन भी होता है और सेल्फ मेडिकेशन भी होता है। इसके साथ साथ जब भी आपको इस प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर के एडवाइस और टेस्ट जरूर कराएं। CBC के टेस्ट से इसका मुआयना हो जाता है, पता लग जाता है। तो इस प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ बना सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इस प्रकार के कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ अगर आपको हैं और आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।